hello everyone how are you doing today once again we are back where your own learning platform learn forward with your pitara book sargam so let's start okay so next chapter we have chapter number 11 11 11 very good the name of the poem is suraj gol chanda gol hamari kavita ka kya ka suraj gol चंदा गोल वेरी गुड सो हेयर आपको क्या दिख रहा है आपको यहाँ क्या दिख रहा है पहले तो बताइए पेज नंबर कौन सा है वेरी गुड वन सेवन सेवनटीन अभी यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है बहुत सारे बच्चे वेरी गुड और भी कुछ दिख रहा है बताइए कौन बताएगा कौन बताएगा देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है सूरज यानी सन यहाँ पे दिख रहा है चंदा यानी मून रोटी भी है दादा दादी भी हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोगों की तरह यस बहुत अच्छे से वेरी गुड तो शुरू करें चलिए मेरी कविता का शीर्षक है सूरज गोल चंदा गोल सूरज गोल चंदा गोल सारी धरती गोल गोल मम्मी की रोटी गोल गोल पापा का पैसा गोल गोल दादाजी की पगड़ी गोल दादी जी का चश्मा गोल हम भी गोल तुम भी गोल सारी दुनिया गोल गोल वेरी गुड धन्यवाद तो क्या हमें सीख मिली इसमें क्या समझ आया कि सूरज भी गोल है और चंदा भी यानी सन भी और मून भी सारी धरती गोल गोल मम्मी की रोटी गोल आप रोटी खाते हैं ना चपाती वो भी गोल होती है उसके बाद पापा का पैसा गोल आप पापा से लेते हैं ना फाइव रूपीज टेन रूपीज वो भी क्या होता है गोल दादाजी की पगड़ी गोल दिख रहा है यहाँ पे जी दादी जी का चश्मा गोल मैम का भी देखो स्पेक्स गोल गोल है हम भी गोल तुम भी गोल सब गोलू मोलू भी हैं, सारी दुनिया गोल गोल, गुड yes, तो चलिए दोबारा करते हैं ओके okay. मेरी कविता का शीर्षक है सूरज गोल चंदा गोल सूरज गोल चंदा गोल सारी धरती गोल गोल मम्मी की है रोटी गोल पापा क्या है पैसा गोल गोल दादाजी की पगड़ी गोल दादाजी दादी जी का चश्मा गोल हम भी गोल तुम भी गोल सारी दुनिया गोल गोल वेरी गुड तो कैसी लगी आपको ये कविता बहुत अच्छी तो अब ये गोल गोल वाली कविता मम्मी को सुनाओगे ठीक है वेरी गुड तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग